अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साजिद मलिक और आपको वेलकम कर रहा हूँ फीनिक्स 24/7 सेंटर में, जिसको हम लोग कहते हैं फीनिक्स 2.0। और आज जो है संडे का दिन है, लेकिन संडे के दिन जो है हमारे वॉरियर्स जो है वो छुट्टी इंजॉय नहीं कर रहे, वो दरअसल आपकी गाड़ियों को साफ सुथरा कर रहे हैं ताकि आप लोग आराम से छुट्टी इंजॉय करें और हम आपकी गाड़ी की जनरल सर्विस करें। तो आज आपको दिखाते हैं कि हमारे वॉरियर्स कौन सी गाड़ियों को क्या करने लगे हैं, कितनी सफाई करने लगे और उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। चलते हैं सारी गाड़ियों की तरफ। चलते हैं जी थोड़ा डिटेल्स की तरफ। और इस वक्त जो हमारी टोयोटा ग्रैंडी है, जिसकी हम लोगों ने अभी सिरामिक कोटिंग करनी है, वो आपको दिखाते हैं उसकी इंटरनल कंडीशन क्या है। मैट जो है बहुत ज़्यादा गंदे हैं, यहाँ पे वैक्यूम भी लगेगा और बीच में टिश्यूज वगैरह गिरे हैं। बेसिकली जो गाड़ी है वो थोड़े थोड़े इसमें जर्म्स भी होंगे आई एम श्योर, बिकॉज टिश्यूज गिरे हैं तो टिश्यू जो होते हैं वो जर्म्स वगैरह के लिए होते हैं, आप लोगों की साफ़ की होती है। तो गाड़ी जो है हमारे वॉरियर फिलहाल सीट्स रिमूव कर रहे हैं। ये इसका हेडलाइनर है जो कि काफ़ी मैला है, हेडलाइनर पता नहीं वैसे लोग मैला क्यों कहते हैं, लेकिन हेडलाइनर भी हमारा थोड़ा सा मैला है। ये डैशबोर्ड एरिया है, ये भी साफ़ होगा सारा। और बाहर से जो गाड़ी की कंडीशन है बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है, तो उसको पहले वॉश करके अच्छे से कंपाउंड करना पड़ेगा और उसके बाद जाके इसकी सिरामिक कोटिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिलहाल गाड़ी ऐसे लगता है जैसे रेगिस्तान में चल के आई हुई है, तो मिट्टी शट्टी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, ये भी सारी रिमूव होगी। तो सबसे पहले गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी हुई है हमारे पास है ग्रैंडी, टोयोटा ग्रैंडी है करोला की, और इसकी आज हमारे जो वॉरियर्स हैं वो करेंगे सिरामिक कोटिंग। तो एक तरफ जहाँ पे सिरामिक कोट हो रही है गाड़ी की, दूसरी तरफ हमारे पास है एक पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्स ऑल्टो, जिसके हमारे वॉरियर्स थे जनरल सर्विस कर रहे हैं। फिलहाल जो हमारे वॉरियर हैं उसके अंदर लगे हुए हैं और उसकी इंटीरियर जो है उसको क्लीन कर रहे हैं, सीट्स वगैरह रिमूव कर दी हैं, कारपेट वगैरह साफ़ कर दिया है। इस पर APC उन्होंने यूज़ करना है। तो जहाँ पर एक गाड़ी सिरामिक हो रही है, एक गाड़ी की जनरल सर्विस हो रही है, दूसरी तरफ हमारे पास है पाकिस्तान की टॉप मोस्ट फेवरेट, जो पूरे 10 साल से पाकिस्तान में अभी तक यही मॉडल चल रहा है होंडा सिटी, उसके भी जो हमारे वॉरियर हैं बाहर से उसको सफाई कर रहे हैं। एक वॉरियर हमारे उसके अंदर उसकी जनरल सर्विस कर रहे हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो तो उससे हमारे जो वॉरियर बाहर से उसको शैम्पू कर रहे हैं। इसको थोड़ी देर में कंपाउंड शुरू हो जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे कंपाउंड का प्रोसेस क्या होता है। और अब मेन गाड़ी जो है जो कि है द बॉस ऑफ पाकिस्तान कार्स, वो है जी द बॉस मेहरान, और इसकी भी हमारे वॉरियर जनरल सर्विस कर रहे हैं। ये गाड़ी हमने स्पेशली खुलवाई है आप लोगों को दिखाने के लिए कि फिलहाल इस गाड़ी में क्या हालत है। जब हमारे वॉरियर्स ने गाड़ी खोली है तो ये गाड़ी इतनी गंदी है, और जब ये साफ़ सुथरी होगी तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे कितनी साफ़ सुथरी है। फ्लोर मैट भी बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है, इंजन भी जो है वो थोड़ा थोड़ा डर्टी है। तो ये इस वक्त फीनिक्स सर्विस सेंटर पे माहौल बना हुआ है इन गाड़ियों का। डिफरेंट किस्म की गाड़ी हैं, डिफरेंट क्लेशन है गाड़ियों की। संडे को हमारे वॉरियर्स करेंगे आपकी गाड़ियों की जनरल सर्विस। अब ये कैसे हो सकता है कि हमने आपको सारी गाड़ियाँ दिखा दी हो, लेकिन एक और फेवरेट कार जो है जो पाकिस्तानी वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती है एवरेज के हवाले से, वो ना दिखाएं। कल्टस पाकिस्तानी माहौल की बड़ी अच्छी गाड़ी है, इसकी भी हम लोग जनरल सर्विस करेंगे और इसको हम लोग बाहर से जब कंपाउंड हमारे वॉरियर करके इसको शैम्पू करेंगे तो ये जैसे ग्लॉसी लगेगी फाइनल रिजल्ट्स में, वो आपको दिखाएंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस गाड़ी की अगर डिटेल की बात करें हम लोग, तो अंदर जो है वो हमारे वॉरियर ने मैट जो है उसको सारा वैक्यूम कर दिया, मैट को आपने जी जी मैट को सारा वैक्यूम कर दिया उन्होंने, और इसके बाद इस पर सिर्फ APC अप्लाई करेंगे। सीट्स रिमूव हो गई हुई हैं, जो हमारा डैशबोर्ड एरिया है और स्टेयरिंग एरिया है ये सारा भी साफ़ होना है, मट्टी शट्टी है। हेडलाइनर जो है वो साफ़ हो गया हुआ है इस गाड़ी का, अगर आप देखें नज़र मारें, ये जो आपको नज़र आ रहा है निशान नहीं है, ये नाखून है, इससे कारपेट जो पर जो भी मटेरियल लगा होता है वो ख़त्म हो गया हुआ है, बेसिकली नाखून लगे हैं। बाकी हेडलाइनर साफ़ कर दिया है, गाड़ी जिनमें से साफ साफ फील आनी शुरू हो गई है, दरवाज़े भी साफ़ होने हैं, और ये नज़र आ रही होगी आपको मट्टी सारे स्टेयरिंग के ऊपर, ये सारी साफ़ होगी। पीछे वाली सीट्स जो है वो रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करेंगे तो आपको पता चलेगा पीछे कितनी गंदगी है। अगर आपको आप दिखाते हैं होंडा सिटी की इंटरनल कंडीशन, जो कि हमारे वॉरियर है सारे मैट्स रिमूव कर दिए हैं, गाड़ी की बॉडी से साफ़ कर रहे हैं, वो मैनुअली हाथों से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे हैं ताकि गाड़ी में से कोई भी ऐसा स्पॉट ना जिसमें मट्टी शट्टी हो। तो ये सारी कंडीशन है इस वक्त, टब भी रखा उन्होंने साथ अपने की गाड़ी को बिल्कुल साफ सुथरा करना, A1 करना है। ये गाड़ी देखने का बहुत मज़ा आएगा आई एम श्योर आप लोगों को। तो अब हमारे वॉरियर से पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? यार संडे का दिन है, सारे लोग आराम कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इस वक्त? काम कर रहे हैं इस गाड़ी के साथ, कल्टस के साथ। अभी सबसे पहला प्रोसेस क्या करने लगे? इसको सबसे पहले वॉश करेंगे जी,
वॉश करेंगे उसके बाद ये साफ सुथरी हो जाएगी, अंदर बाहर से भी सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, तो संडे का दिन है और हमारे जो वॉरियर हैं वो इस गाड़ी को सबसे पहले साफ करने लगे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हमारे वॉरियर क्या एक्शन करने लगे। ये है फीनिक्स 24/7 सेंटर जिसको हम लोग 2.0 कहते हैं और यहाँ पे संडे के दिन भी हम आपकी गाड़ियों की जनरल सर्विस करते हैं। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को अच्छी क्वालिटी जनरल सर्विस दें और वो भी कम से कम टाइम में आपको मिले, यहाँ पे आए रिलैक्स करें, चाय पिए, कॉफ़ी पिए और हमारे वॉरियर्स अपनी गाड़ी को साफ करें, तो आप फीनिक्स 24/7 सेंटर आएँ क्योंकि यहाँ पे हमारे वॉरियर्स आपका वेट कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे ज़्यादा देर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप देखिए हमारी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ।